सत्यपाल मलिक से सीबीआई ने की पूछताछ। मलिक ने किस खुलासे से फैलाई सनसनी। पीएम मोदी की क्यों की तारीफ। मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, जो अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं, उनसे सीबीआई ने पूछताछ की है। ये पूछताछ उनसे इसलिए हो रही थी क्योंकि उन्होंने एक ऐसा खुलासा किया था जिसने सनसनी मचा दी थी। यहां तक कि उस मामले को सुनकर सीबीआई के भी कान खड़े हो गए थे। साथ ही खुलासा करते वक्त मलिक ने अंबानी का भी नाम लिया था और आरएसएस से जुड़े एक व्यक्ति पर भी आरोप लगाए थे। बताया था कि उन्हें 2 फाइलें पास करने के लिए 300 करोड़ की रिश्वत ऑफर की गई थी। जी हां, उन पर आरोप था कि जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तो उन्हें 2 फाइलों को क्लियर करने के लिए 300 करोड़ की रिश्वत की पेशकश की गई थी। हालांकि इस पर उनका पक्ष ये था कि उन्होंने रिश्वत लेने से इनकार कर दिया था और दोनों फाइलों को रद्द कर दिया। लेकिन अब बात चूंकि सत्यपाल मलिक ने कह डाली थी तो इस पर तो सीबीआई के कान खड़े होने ही थे। सीबीआई ने इस पूरे मामले पर जांच के आदेश मांगे थे। केंद्र सरकार ने उस मामले में जांच के आदेश दे दिए और आदेश देने के बाद सीबीआई ने सत्यपाल मलिक से इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की। चलिए आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला था क्या। दरअसल 17 अक्टूबर 2021 को राजस्थान के झुंझुनू में एक कार्यक्रम में सत्यपाल मलिक पहुंचे थे। वो वहां पर अपना संबोधन दे रहे थे। इसी बीच में उन्होंने ये कहा कि कश्मीर जाने के बाद, यानी कि जब वो कश्मीर के राज्यपाल बनाए गए, तो कश्मीर जाने के बाद उनके पास 2 फाइलें आई। एक अंबानी की फाइल थी और दूसरी आरएसएस से जुड़े एक शख्स की, जो पिछली महबूबा मुफ्ती और बीजेपी की गठबंधन सरकार में मंत्री थे। वो पीएम मोदी के भी बेहद करीबी थे। मलिक के सचिव ने सूचना दी कि इसमें घोटाले हैं और फिर सत्यपाल मलिक ने बारी बारी से दोनों फाइलों की डील रद्द कर दी। सत्यपाल मलिक के सचिवों ने कहा कि दोनों फाइलों के लिए 150-150 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, यानी कुल 300 करोड़ बतौर रिश्वत दिए जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी सत्यपाल मलिक ने मना करते हुए कहा कि मैं 5 कुर्ते पैजामे लेकर साथ आया हूं और उन्हीं के साथ यहां से वापस चला जाऊंगा। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के 300 करोड़ रुपए की घूस ऑफर किए जाने के आरोपों को लेकर सीबीआई ने जांच के आदेश दिए थे। केंद्र सरकार ने भी इसके लिए मंजूरी दे दी। सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हुए कहा था कि उस वक्त प्रधानमंत्री से जब उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर चर्चा की थी तो प्रधानमंत्री ने उनसे कहा था कि भ्रष्टाचार से कोई समझौता न करें। उनके इस दावे की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ही केंद्र सरकार से की थी, जिसे अब केंद्र सरकार ने मंजूर कर लिया है। हालांकि काफी बात बढ़ने के बाद सत्यपाल मलिक ने अंबानी और आरएसएस से जुड़े एक शख्स की 2 फाइलों को मंजूरी देने के बदले में 300 करोड़ की रिश्वत के ऑफर वाले दावे पर यू टर्न ले लिया। जी हां, उन्होंने इस मामले में माफी मांगते हुए कहा था कि उनके दावे का आरएसएस से कोई मतलब नहीं और वो इसके लिए माफी मांगते हैं। अब इस मामले की हकीकत क्या है, ये तो सीबीआई जांच के बाद ही सामने आ सकेगा। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।